फोर्स यहाँ मौजूद था और उस समय भी लाठीचार्ज हुआ था, क्या बवाल था? तो वो न्यायालय का आदेश था, क्या चीज थी, मतलब पूरा प्रोग्राम उस टाइम क्या हुआ था जब कब्जा दिलाया गया था इन लोगों? नहीं, कब्जा इनको ये लोग पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पे आए थे, तो नायब तहसीलदार के कोर्ट थे, पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पे दाखिल खारिज हो गया था अनुज नासिर और सचिन के पक्ष में हो गया था। और ये लोग जो दूसरा पक्ष था, ये लोग 229B का मुकदमा किए हुए थे एसडीएम साहब कोर्ट पे, एसडीएम साहब के यहाँ से वो खारिज हो गया था। फिर ये लोग चले गए थे कमिश्नरी में, कमिश्नरी से भी खारिज हो गया था। फिर अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू चले गए, वहाँ से भी खारिज हो गया था। फिर दोबारा कुछ दिनों बाद गए, फिर दोबारा सुनवाई की अपील उन्होंने अपील की थी वहाँ पे, तो फिर उसको स्वीकार करते हुए 6 महीने के अंदर डिस्पोज करने का उपजिलाधिकारी को आदेश था, जिसकी अभी कॉपी हमारे यहाँ आई नहीं थी। इनके पास एक एक फेक कॉपी लेके आए थे, लेकिन पूरी जो फाइल थी वो आई नहीं थी हमारे यहाँ। तो जिस दिन ये यहाँ कब्जे की बात है, ऐसा नहीं, यहाँ फोर्स और नायब तहसीलदार ये लोग आए थे, तो एक पैमाइश के उस समय कब्जा परिवर्तन कोई नहीं हुआ था, बस वो लोग आके पैमाइश करके चिन्हांकन कर गए थे कि यहाँ जमीन ऐसे है। उस मौके पे ऐसा कोई नहीं सुनी था। उस दिन भी लाठीचार्ज हुआ था, कुछ लोग कर रहे थे, सरकारी काम में व्यवधान डाल रहे थे, तो उनको हटाया गया था, किसी को चोट नहीं आई, तो लाठीचार्ज नहीं हुआ था ऐसा कुछ। कब्जा जो कराया गया था पैमाइश करने आया था उन्होंने, कब्जा नहीं, कब्जा परिवर्तन कराने नहीं आया, तो वो लोग बस पैमाइश किए थे, और जो जिन जिनके नाम से बैनामा हुआ था उन लोगों ने अपना कब्जा खुद ले लिया था।